साथियों, आज गरीब अपने घर का सपना देख पा रहा है क्योंकि अब किसको घर मिले ये किसी नेता के हाथ में नहीं है। नहीं तो पहले भाई भतीजावाद, उसी में ही गरीब का आदिवासी का हक मारा जाता था। याद करिए, आपको सरकार से घर लेने के लिए कितना दौड़ना पड़ता था और कटकी वाले तो मैदान में आ ही जाते थे। इस तौर तरीके से अलग हमारी सरकार ने समय समय पर होने वाली जनगणना के आधार पर परिवारों की लिस्ट बनाई है। इतना ही नहीं, अब घर का होने वाला मालिक ही अपने घर के निर्माण के तरीके को तय करता है। उसके खाते में सीधे पैसे जमा हो जाते हैं और वो अपने हिसाब से घर बना सकता है। साथियों, पहले की सरकारों के समय बहुत छोटे घर होते थे, इतने फुट इससे ज्यादा नहीं, इतने कमरे उससे ज्यादा नहीं, हमने सब बदल दिया। लेकिन अब घरों का आकार भी बढ़ाया गया है और उसमें टॉयलेट से लेकर बिजली की, रसोई गैस की सुविधा साथ साथ स्वीकृत हो जाती है। यानी सिर्फ चार दीवारें नहीं, एक स्वाभिमान के साथ जी सके ऐसा घर बनाया जाता है। अलग से उसके लिए उसे भागदौड़ करना, सिफारिश खोजना, किसी को रिश्वत देना कोई जरूरत नहीं पड़ती। यही नहीं, पहले जो घर बनते थे उनके डिजाइन भी दिल्ली में बैठे हुए बाबू बना देते थे। उनको ये पता ही नहीं था कि घूमला के आदिवासी इलाकों में कैसा घर चाहिए, रांची के गरीब को कैसा चाहिए, दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी को कैसा चाहिए, कुछ मालूम नहीं था। लेकिन अब हमने बदल दिया। हमने कहा जो रहना चाहता है उसकी जैसी जरूरत है, वो जैसा चाहे वैसा घर बनाया जाएगा। जैसे ही क्षेत्र में बांस सहित अनेक दूसरे सामान उपलब्ध होते हैं और यहां के लोगों को उस प्रकार के मकान बनाने की आदत है, लेकिन पहले की सरकारें होने नहीं देती थी। अब हमने तय किया, आप अपनी पसंद की किस सामान से घर बना सकते हैं, अपनी पसंद की डिजाइन बना सकते हैं, आपको जैसा रहने में सुविधा हो, सुख हो, ऐसा घर बना सकते हैं, हम आपको पैसे दे देंगे। सरकार बीच में आएगी ही नहीं,